नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार चुनाव को लेकर हम बातचीत करते आ रहे हैं। चुनाव फिर पूरा मोदीमय हो गया है, परिणामों की बात कर रहा हूं मैं। जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि चुनाव पूरा मोदीमय हो गया है। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव हुआ मोदीमय, क्या लगता है? देखिए, चुनाव में मुद्दे कहाँ थे? मोदी ही थे। तो ये चुनाव मेरे हिसाब से मोदीमय और मुद्दा विहीन चुनाव है जी। भाजपा ने बड़े ही चतुराई से इस चुनाव को मोदी पे केंद्रित कर दिया, और चूंकि विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले कोई चेहरा नहीं था तो मोदी इसका फायदा ले गए। क्या लगता है? आपने कहा मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन चुनाव था, मोदी वाला चुनाव था, मुद्दा नहीं था। मुद्दे तो बहुत सारे थे देश में, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उस मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की। दोनों ही राजनीतिक दल जो थे वे सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दों पर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर ही अपने आप को केंद्रित रख पाए। देखिए, 2014 के बाद इस देश में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने और जिस प्रचंड लहर के साथ बने, उसके बाद चुनाव की परिभाषा ही इस देश में बदल गई। चुनाव चेहरा केंद्रित होते चले गए। एक तरफ मोदी थे, उधर राहुल थे, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख हैं वो थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को मोदी के प्रति विश्वास दिखाई दिया। जैसा कि हम एग्जिट पोल के जो ट्रेंड्स हैं उन पे विश्वास करें एक पल के लिए, हालांकि जो नतीजे आएंगे 23 मई को आएंगे तो मोदी फैक्टर चला या नहीं चला। मोदी की इंदौर में सभा थी और मोदी ने एक बात कही कि इस बार देश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वेव चल रही है, तो एक बड़ी बात उन्होंने कही। तो इस बार चुनाव में आप देखें, वोटिंग जो परसेंटेज है वो भी बड़ा बम्पर हुआ है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग निकल के आए, अपना वोट किया। तो अब जो परिणाम आएंगे सुनील जी, वो इस बात की भी अग्नि परीक्षा होगी कि क्या बम्पर वोटिंग रूलिंग पार्टी के लिए या फिर मोदी के लिए फायदेमंद होती है नहीं। बिल्कुल ठीक है ना हर्षवर्धन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोदी ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। ये उनकी सोच है, उनका ये कहने का अपना अपना अंदाज है, लेकिन लगातार जो परिणाम निकल कर आए हैं एग्जिट पोल में, जो परिणाम निकल कर आए हैं, मतलब वो जिस तरह की जीत की बात कर रहे हैं वो उसको कितना सत्य मानते हैं? देखिए, एग्जिट पोल में ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं उन्होंने एनडीए को वापस सत्ता में वापसी करता दिखाया है। एक आध एग्जिट पोल ये दिखाता है कि थोड़ा सा बहुमत से एनडीए और बीजेपी दूर है। अब जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी विश्वसनीयता को भी सवाल तो उठाते हैं लोग। फेसबुक पे कई लोग ये लिख रहे हैं कि क्या आपके पास किसी एग्जिट पोल कंडक्ट करने वाली कंपनी का, एजेंसी का फोन आया? लोगों ने कहा साहब नहीं आया। तो आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जो कि दुनिया की सबसे बड़े जो डेमोक्रेसी है उसमें चुनाव परिणामों की थाल लेता है? इतने जहां इतना सैंपल साइज इतना बड़ा है, करोड़ों की तादाद में लोग वोट करते हैं, तो क्या चंद लोगों से बात करके आप चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या वो साइंटिफिकली सही है? ये एक बड़ी बात है। और इस बार ये भी देखा गया कि जब चुनाव हो रहे थे तब मेरा अपना ये आकलन है कि कोई किसी भी दल या व्यक्ति के लिए कोई प्रचंड लहर नहीं दिख रही थी। वोटर साइलेंट था, उसके दिमाग में क्या था लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक इस चुनाव में सबसे बड़ी बात एक्स फैक्टर है, जो वोटर का एक्स फैक्टर है। जो दल इस एक्स फैक्टर को अपने पक्ष में करने में सक्षम हो पाया होगा वही दल सत्ता में आएगा, और जैसा कि एग्जिट पोल दिखा ही रहे हैं कि मोदी वापस आते जा रहे हैं। आपने एक बात कही कि चंद लोगों से बात करके एग्जिट पोल को जिस तरह से जनरलाइज करना। हाँ, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, मुझे दूर दूर तक किसी मेरे परिचित की कोई सूचना नहीं है कि उनके पास किसी एग्जिट पोल वाले का फोन आया या कोई मार्केट सर्वे किया है। कमोबेश आपके पास भी यही स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस एग्जिट पोल पर भरोसा किसा? देखिए, भरोसा तो करे ना करे ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और कितनी क्रेडिबिलिटी और कितनी सही तकनीक का इस्तेमाल किया। लेकिन इस एग्जिट पोल ने भाजपा को जश्न की तैयारी का मौका तो दे ही दिया। भाजपा के नेता नहीं कपड़े सिलवा रहे होंगे, शपथ के लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें मंत्री बनना ही है दोबारा, कुछ लोग नए चेहरे उत्सुक होंगे। तो भाजपा इसको जश्न का मौका मान रही है, और कांग्रेस का कहना है कि मनोरंजन का एग्जिट पोल है कि भाई लोगों का थोड़ा सा चुनाव हो गया, कैंपेनिंग बंद हो गई, एक लंबा प्रोसेस था वो खत्म हो गया, अब जनता टीवी देखती है तो क्या देखे, तो एग्जिट पोल ही देख लो, ऐसा कांग्रेस का कहना है।
लेकिन मनोरंजन है या फिर जनता का मन है ये 23 तारीख को ईवीएम ही बताएगी। बिल्कुल ठीक कहना है कि मनोरंजन है, जनता का मन है, तो 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसी से पता लगेगा। लेकिन बहरहाल इस समय जो कुछ भी एग्जिट पोल आए हैं, एनडीए की आज बैठक हुई है, एनडीए के घटक दलों की आज बैठक हुई है, वहीं विपक्षी दल भी सारे एकजुट हुए हैं। अब विपक्षी दल ईवीएम को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ चैनलों पर ये चल रहा है कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, कुछ ईवीएम में गड़बड़ी है, इस बात से कितने सहमत हैं आप? देखिए, ईवीएम भी एक मशीन है और उसमें छेड़खानी कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सुनील जी, बीच में जब ईवीएम पे सवाल उठे थे चुनावों से पहले की बात कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग ने ये चैलेंज किया था कि आप आए, ये ईवीएम आपके सामने रखी है, इसको आप टेम्पर करके दिखाएं, इसमें छेड़खानी करके दिखाएं, तो कोई नहीं आया था। चुनाव परिणाम आने से पहले और एग्जिट पोल आने के बाद ये जो एक वापस मोमेंटम खड़ा हुआ ईवीएम के खिलाफ, वो एक अपने आप में एक सवाल तो खड़ा करता है। और मेरा मानना है कि अगर विपक्षी दल आपसे सवाल उठाते हैं, तो जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका जो मूलभूत अधिकार है सवाल उठाना लोकतंत्र में, तो चुनाव आयोग को इस इशू को बहुत परिपक्व तरीके से एड्रेस भी करना होगा। केवल चुनावी राजनीति से जोड़ना और ये कह देना कि साहब नहीं हो तो ऐसे ही बोलते हैं, हारने वाले हैं, ये परिपक्व जवाब नहीं होगा। तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि जो विपक्षी दल के मन में सवाल उठ रहे हैं उसका सही तरीके से जवाब दे, और जनता में जो विश्वसनीयता की बात है ईवीएम को लेकर उसको सुदृढ़ करे। चुनाव आयोग की आपने बात कही, अभी लगातार चुनाव आयोग को लेकर भी टिप्पणी विपक्षी दलों ने की, कई सारे लोगों ने की है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो हम हैं उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। चुनावों में सवाल उठे कि अमित शाह को क्लीन चिट दी गई कई बार, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई कई बार, लेकिन क्लीन चिट तो विपक्ष के लोगों को भी दी गई। इंदौर की बात करें तो सिद्धू ने एक कॉमेंट किया था मोदी को लेके जो कि ऑब्जेक्शनेबल था, उसमें भी सिद्धू को क्लीन चिट दी गई। तो ये जो चुनावी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, मुझे लगता है चुनाव आयोग भी इसको बहुत लाइटली लेता है और जानता है कि चुनाव होने के बाद ये सब भूल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं फाइलों में नत्थी हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये चीजें जो है चुनाव में गर्मा गर्मी होती रहती है दोनों ही दल, लेकिन एक जो बड़ा बड़ा सवाल था वो ये था कि चुनाव आयोग ने ये अपनी एडवाइजरी इश्यू की थी कि आप चुनाव में किसी सैनिक का या सैन्य अभियान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमने देखा कि नेताओं ने ऐसा भी किया, शिकायतें भी हुई, क्लीन चिट भी मिली, लेकिन ये अपने आप में जनता के सामने हम ये सवाल छोड़ते हैं कि क्या आपको लगता है कि सैनिकों का इस्तेमाल चुनाव अभियान में किया जाना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी करे, चाहे वो अपोजिशन पार्टी करे, कोई भी पार्टी करे, तो जनता खुद निर्णय करे कि क्या ऐसा होना चाहिए। शुरुआती दौर में हमने बात की थी कि ये जो चुनाव लड़ा गया है मुद्दे विहीन चुनाव था, वहाँ पर एक बात और निकल कर सामने आई कि अब पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या कमल का महत्व नहीं है, या महत्व मोदी का है, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे का महत्व या कांग्रेस पार्टी का महत्व नहीं, महत्व राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का था। तो ये व्यक्तिवादी चुनाव, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव व्यक्तिवादी होना ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना है, एक फेनोमेना है इस लोकतंत्र का, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुनील जी प्रधानमंत्री चुनाव जो होता है उसका चुनाव वो डायरेक्टली नहीं होता, पहले हम सांसद चुनते हैं, फिर जिसके पास ज़्यादा सांसद होते हैं वो सांसद उस पार्टी के मिलकर तय करते हैं, उस गठबंधन के लोग तय करते हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार हमने देखा कि पूरे चुनाव अभियान में भाजपा कहीं पीछे दिखी और मोदी आगे दिखाई दिए, ये एक रणनीति के तहत किया गया। आप देखें अब की बार फिर मोदी सरकार हर नारे में, हर बात में, हर स्लोगन में, हर स्टिकर में, हर कैंपेन में मोदी ही आगे दिखे। तो भाजपा ने और मोदी ने अपने आप पे एक बड़ा जोखिम भी लिया। इसको आप इस तरीके से देखें कि अगर मोदी का जादू नहीं चलता तो क्या होता, तो ये कहीं ना कहीं मोदी को आगे रखना एक बड़ा जोखिम मैं मानता हूं। और जहां व्यक्तिवाद ज्यादा हावी होता है निश्चित तौर पे वहां पार्टी की जो नीतियां हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे आती हैं और व्यक्ति का जो छवि है वो ऊपर आता है। ये एक बड़े अपने आप में बहस का विषय है कि जब हमारे देश में
अमेरिका की तरह प्रणाली नहीं है चुनाव की, जहां राष्ट्रपति चुना जाता है, चुना जाता है। हाँ, तो क्या व्यक्तियों की राजनीति होगी? लेकिन एक एक बात मुझे यह भी लगती है कि आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो मतदाताओं के मन में एक स्वाभाविक सवाल होता है कि इस देश को लीड करने कौन जा रहा है। ठीक है, हम अपना जो नुमाइंदा चुनते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो तो हमें पता है, लेकिन हमारा वोट किस तरफ जा रहा है? और एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि मोदी अक्सर अपनी सभाओं में कहते थे कि अगर आप कमल के फूल पे वोट करेंगे तो वो वोट मोदी के खाते में जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब जो उम्मीदवार है वो तो है, वो जीत ही रहा है, लेकिन वो वोट एक सिंबॉलिकली मोदी जी के खाते में जाएगा। तो मोदी जी ने एक बड़ा जो है एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, जोखिम भी लिया, और जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वापस वो सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं, तो एक बड़ा व्यक्तिवादी राजनीति के केंद्र में लड़ा गया चुनाव और बीजेपी की रणनीति सफल हो गई। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आपने कहा, लेकिन व्यक्तिवादी राजनीति की हम बात करें तो जब बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है तो मायावती हमेशा आगे, समाजवादी पार्टी की बात होती है तो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव आगे आते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात होती है तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इनमें से कोई आगे आता है। वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे आ रहे हैं, या मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आगे आ रहे हैं, या गुलाम नबी आज़ाद कहीं कांग्रेस की तरफ से आगे आ रहे हैं। वो वैसा ही भारतीय जनता पार्टी में भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन मेरा इसमें सीधा कहना, जो बहस का मुद्दा जो बाद में कहने जा रहा हूँ, जो आपने स्पष्ट भी किए लेकिन उसको थोड़ी सी आगे बढ़ा रहा हूँ, कि क्या इस तरह से व्यक्तिवादी राजनीति पार्टी से अपने आप को ऊपर रख कर की जाना ठीक है? देखिए, ठीक है या न है वो तो मतदाताओं के मन की बात है। देखिए, इतने बड़े लोकतंत्र में अगर मतदाता किसी को चुन रहे हैं तो मतदाता के भरोसे का अपमान तो नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को भरोसा कि हाँ, जिन्होंने चुना है वो शायद देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन फिर एक बात ये होती है कि कोई नेता एक निश्चित समय तक तो अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी वहन कर सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है सुनील जी, जब लोगों का उससे मोह भंग होने लगता है और लोग अपनी पार्टी की पॉलिसी की बात करने लगते हैं। लोग अभी ये हुआ है कि अभी 2014 के बाद मिडिल क्लास आप देखिए बहुत मुखर हो गया इस देश के अंदर। मिडिल क्लास सोशल मीडिया पे इतना मुखर हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और वो मुखरता किसके पक्ष में आप सब लोग जानते हैं। तो अगर लोग किसी को चुनना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, अब नई सरकार का गठन होने वाला है और अगर मोदी जी वापस शपथ लेते हैं तो उनसे जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उनकी पार्टी ने वादे किए लोगों से वो निभाएं, और हम देश के रूप में सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और दुनिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। तो अपना घोषणा पत्र जो है भाजपा का, हमें उम्मीद करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसको अमली जामा पहना है। बिल्कुल ठीक कहना है। इस बार युवा मतदाताओं ने काफी संख्या में मोदी नाम के साथ वोट किया है। मोदी 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 युवाओं की जो पुकार थी वो यही थी। लगभग 13 करोड़ मतदाता मुझे लगता है जी, और युवा मतदाता थे और जो बड़े डिसाइडिंग फैक्टर। बिल्कुल डिसाइडिंग है। और मैं तो अभी 8वीं क्लास के एक बच्चे से बात कर रहा था जी, और वो भी कहीं ना कहीं मोदी के फैन मुझे दिखाई दिए। और तो मोदी एक रणनीति के तौर पे आप बात करें तो मोदी इस देश के घर में प्रवेश कर गए हैं, मोदी ड्राइंग रूम में प्रवेश कर गए हैं, मोदी आम घर के अंदर जो बातें होती है उनमें प्रवेश कर गए हैं। तो और कोई इसका जवाब नहीं था किसी के पास। ये तो मानना पड़ेगी बात कि जनमानस में जिस किस्म से मोदी सेक्टर जो है प्रभावी हुआ है उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। और जो नई पीढ़ी के मतदाता हैं, जो जिन्होंने आपने जिक्र किया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, उन्होंने राजीव गांधी को नहीं देखा, उन्होंने उसके बाद के प्रधानमंत्री नहीं देखे, उन्होंने देखा है मोदी को काम करते हुए। तो निश्चित तौर पे जो मोदी की नीतियां रही हैं, जो उनका अपना एक करिश्मा है, उस करिश्मा की वजह से लोग प्रभावित हुए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे चुनाव के बाद की संभावनाओं पर, क्या परिणामों को लेकर बात कर रहे थे, नई सरकार किसे के गठन को लेकर हमने बात की, लोगों ने वोट कैसा किया इस पर बात की, और व्यक्तिवादी राजनीति को लेकर भी हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है। मुझे लगता है कि जब तक परिणाम नहीं आते हैं, इसी तरह से हम आपको चुनाव से जुड़े रख सकते हैं, चैनल से जुड़े रख सकते हैं।
साथ ही अपनी बातों से भी आपको मन में जो शंकाएं कुशंकाएं जन्म ले रही है, निश्चित तौर पर आपके मन में अभी ये सब चल रहा होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितनी सीटें आएगी, इंदौर से कौन जीतेगा, देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, कई सारे सवाल आपके मन में हैं। तो उन सवालों का जवाब हकीकत में तो 23 और 24 तारीख तक आएगा। 24 इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार परिणाम तुरंत नहीं है, धीरे धीरे परिणामों की घोषणा होगी। तो 24 तारीख की सुबह तक या 23 तारीख की देर रात तक ये यह तय हो जाएगा कि देश में किस पार्टी की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही हैं और कांग्रेस पार्टी या भाजपा के दावे कितने सही हैं और अन्य दलों के दावे कितने सही हैं। बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।